गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th के पहले लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, जिसको ब्रूकर टी वाशिंगटन ने लिखा है, जो कि एक नेग्रो राइटर थे, एजुकेटर थे, आज हम उस सीरीज का स्टेंजा नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। स्टेंजा 14 आपको पहले भी पढ़ाया गया है, उसकी जो कुछ लाइंस थी वो आपको बताई गई हैं, तो जो रिमेन लाइंस बची हुई शेष रिमेन पोर्शन है उसका, वो आज इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं मेन लाइंस की ओर आता हूँ, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के YouTube लिंक पर जाएं और वहां बेल आइकन प्रेस करें, तो आपको नवीन जानकारियां प्राप्त होती जाएंगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम अपनी मेन लाइंस जो पैराग्राफ नंबर 14 की है उनकी शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। I had the feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the clinic of that room. तो राइटर कहता है, I had the feeling, मेरे अंदर यह भावना थी, I had the feeling, मेरे अंदर यह भावना आ चुकी थी या मेरे अंदर यह भावना थी, that in a large measure of my future, कि in a large measure, कि बड़ी मात्रा में, मतलब बड़ी मात्रा में, measure means मात्रा, कि बड़ी मात्रा में जो मेरा future, मेरा जो भविष्य है, depended upon the impression I made upon the teacher, depended upon the impression, वो एक भाव पर डिपेंड माने स्थिर था, आई मेड अपॉन द टीचर, जो मैं उस मुख्य अध्यापिका पर बनाता, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई करके। तो लेखक कहता है कि मेरे अंदर यह भावना थी और मेरा जो भविष्य था वो बड़ी मात्रा में इस बात पर निर्भर था कि मैं अध्यापिका पर अपना अच्छा इंप्रेशन बनाऊं, अच्छा प्रभाव बनाऊं, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई करके। व्हेन आई वाज दो मींस होता है सारा काम समाप्त हो जाना, कंप्लीट हो जाना, तो व्हेन आई वाज दो, जब सारा काम समाप्त हो गया, जब सारा काम समाप्त हो गया, I reported, मैंने बताया to the head teacher, उस मुख्य अध्यापिका को, तो मैंने मुख्य अध्यापिका को रिपोर्ट माने सूचित कर देना, रिपोर्टेड माने सूचित कर देना, तो मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचित कर दिया। सी वाज ए यांकी, वो एक यांकी महिला थी, सिवाज के यांकी, वो एक यांकी, यांकी जो अमेरिका में उत्तरी अमेरिका के जो लोग होते हैं उनको वहां के लोग यांकी कहते हैं, ठीक है। तो सिवाज ए यांकी वूमेन, वो एक यांकी महिला थी, अर्थात उत्तरी अमेरिका में रहने वाली महिला थी, हु न्यू, जो जानती थी जस्ट वेयर टू द लुक फॉर डर्ट, कि जस्ट वेयर, कि कहां देखा जाए टू लुक फॉर डर्ट, गंदगी के लिए, कि गंदगी के लिए कहां पर देखा जाए, अर्थात वो गंदगी जो टीचर ने, लेखक ने सफाई की थी, तो उसको पता था कि किस जगह पर, उस यांकी महिला को पता था कि किस जगह पर गंदगी होनी चाहिए। सी वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गई, किस कमरे में, जिसको लेखक ने साफ किया था, रेसिटेशन रूम में, तो सी वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर
एक्सपेक्टेड माने निरीक्षण किया। तो सी वेंट इनटू द रूम, वो कमरे में गई एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर, और कमरे का निरीक्षण किया। एंड क्लोसेट द सी टुक एंड क्लोसेट, और जो खिड़कियां थी, दरवाजे थे, जितना भी फर्नीचर का सामान था, द सी लुक हर हैंडकरचीफ, इसके बाद उन्होंने अपना रुमाल निकाला। देन सी टुक हर हैंडकरचीफ, इसके बाद उन्होंने अपना रुमाल निकाला एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क, और उसको लकड़ी का जितना भी सामान था उस पर रब्ड माने रगड़ा, रुमाल से रगड़ कर देखा कि कहीं धूल तो नहीं रह गई। एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क अबाउट द वॉल्स, उन्होंने लकड़ी फर्नीचर पर, अबाउट द वॉल्स दीवारों पर, एंड ओवर द टेबल मेज पर और बेंच पर। तो सी टुक एंड कर्चीफ, उन्होंने अपना रुमाल निकाला और उन्होंने इसको वुडवर्क माने लकड़ी के सामान पर, दीवारों पर, टेबल पर और बेंच पर रगड़ा, जिससे पता चल सके कि कहीं धूल तो नहीं रह गई। सी टोकर एंड कच्ची, उन्होंने अपना रुमाल निकाला, उन्होंने इसको फर्नीचर लकड़ी के सामान पर, दीवारों पर, मेजों पर और बेंच पर रगड़ा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की कुछ लाइंस का अध्ययन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।